नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम स्मृति पाठ का आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आपको पिछला भाग समझ में आया होगा। पिछले भाग में हमने लेखक का परिचय और इसके बारे में सामान्य जानकारी ली थी और कुछ भाग पढ़ा था, और आज की कक्षा में हम स्मृति पाठ का आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, यानी कुएं का जो नीचे का तला था उससे 4-5 गज दूर ऊपर वो लटका हुआ था बड़ा भाई, तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था, यानी सांप ने अपने तल से अपने फन को ऊंचा किया हुआ था, बिल्कुल डसने की पोजीशन में ही अपने आप को कर रखा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, यानी उसके पीछे का, सांप के पीछे का हिस्सा धरातल पे था और उसने अपना मुंह फन के रूप में ऊपर उठा रखा था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, और आगे का भाग फन के रूप में ऊंचा उठा हुआ था और वो कहीं ना कहीं प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ये लड़का नीचे गिरे और मैं इसको डस लूं। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, क्योंकि वो भी धोती के साथ ही बंधा था और जैसे ही लेखक हिलता तो उसका डंडा भी हिलने लगता, उसी के कारण शायद मुझे उतरते दे सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, और उस डंडे के हिलने के कारण ही सांप सतर्क हो गया था और डसने की घातक स्थिति में बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित को हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार से डंडे को इधर उधर घूमता देखकर सांप भी फन फैलाकर चोट करने के लिए बैठा ही था। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था उसका प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी यानी विपक्षी शत्रु। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर, लेखक कह रहा है कि मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण, यानी कुएं के ऊपर जो डेंग था डंडे का, उसके ऊपर धोती बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, यानी कुएं का जो तल था उसके बीचों बीच भी सेंटर में ही उतरना था। उसके माने थे सांप से 1.5 या 2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, यानी अगर तल पे उतरता तो इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि सांप से 1.5-2 फुट की गज की दूरी से भी कम दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे यानी याद रखने वाली बात है कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, यानी कच्चा कुआं जो होता है वो नीचे से उसका तल बड़ा ही सकड़ा होता है, ऊपर से तो फिर भी चौड़ा होता है लेकिन तल्ले से उसका जो व्यास है वो बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है, यानी यहाँ पर लेखक ने बताया कि जो तल था उसका जो व्यास था वो ऊपरी हिस्से से बहुत ही कम था। तो बच्चों हमने देखा कि जो कच्चा कुआं है उसका व्यास बहुत ही कम होता है, यानी उसका बेस तल, नीचे तो वह 1.5-2 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में भी सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, तब तो हम दोनों के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ सकती थी किंतु सांप क्यों पीछे हटता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, तो मैं साइड में तो उतर ही नहीं सकता था, और कच्चा कुआं था, अगर साइडों में पैर लगाता तो शायद मिट्टी गिरती। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, लेखक कह रहा है कि ना तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं वापस ऊपर चला जाऊं, ना ही मैं कोई सांप को मारने का कोई निश्चय कर पाया था,
धरातल पे तो मुझे उतरना ही था और ना ही मैंने अब तक ऐसा सोचा था कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा, एक एक इंच। जो जो मैं नीचे उतरता जाता था त्यों त्यों मेरी एकाग्रचितता, कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्रचितता बढ़ती जाती थी। यानी पूरा ध्यान सांप की ओर ही था, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही करते ही सांप लेखक को डस सकता था। इसलिए लेखक का पूरा ध्यान, एकाग्रचितता बढ़ती ही जा रही थी। मुझे एक सूझ सूझी, यानी मुझे एक तरीका सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल से लगा दिए, यानी कुएं के दोनों किनारों पर लेखक ने अपने पैर लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर डेढ़ गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी सांप से लेखक की आंखें मिली। दोनों आमने सामने एक दूसरे को घूरने लगे, आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, चक्षुश्रवा यानी आंखों से सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया, मैं स्वयं केवल आंखों से ही सारे काम कर रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी थी, यानी मेरे जो और ऑर्गन्स थे, मेरे हाथ, मेरे पांव, उन्होंने अपनी सारी शक्ति मेरे आंखों को ही दे दी थी, लेखक ऐसा मान रहे थे। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे मोहिनी यानी मुझे अपने वश में कर लिया था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। उसे सांप को लग रहा था कि जो व्यक्ति है वो आक्रमण करेगा। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था, यानी आकाश में फूल उगने पर उसे तोड़ने जैसा था। यानी वो काम तो बिल्कुल ऐसा था जैसा हो ही नहीं सकता। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी होती हैं। लेखक ने बिल्कुल सही कहा, कई बार हम योजनाएं तो बनाते हैं पर जरूरी नहीं कि वो योजना हमारे सोचे के अनुसार ही सच हो जाए, गलत भी साबित हो सकती है, उल्टी भी पड़ सकती है। लेखक ने अनुमान लगाया था कि वो सांप को आसानी से मार लेगा, किंतु उसकी योजना उसे विफल होती दिखाई दे रही है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था, क्योंकि कुएं में चारों तरफ डंडा घुमाने की जगह ही नहीं थी। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए, क्योंकि डंडे को घुमाना पड़ता है, काफी स्थान चाहिए जिसमें तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो, यानी लेखक ये कह रहा है कि यदि मैं सांप को मारने लगा और मैंने डंडे से उसका फन नहीं दबा पाया तो शायद फिर वो मुझ पर अटैक कर देगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि सांप ही पलटकर मुझे काट ले। फिर वे पलटकर जरूर काटता यदि उसका फन नहीं कुचल पाता तो। और
फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता? यदि अगर उसका फन नहीं कुचला जाता या नहीं दबता तो उसके पास पड़ी हुई चिट्ठियों को कैसे उठाता? दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, यानी सांप के शरीर के पास ही पड़ी थी, और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे, यानी सांप अपने पैतरों पर, तरीकों पर, और मैं अपने तरीकों पर। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष, यानी गीला विष। अगर मान लो मैं उसको मार भी देता और मारते हुए अगर वो मुझे डस लेता तो सांप शायद मरता ना मरता पर मैं जरूर मरता। यानी जो सांप था उसका निशाना अचूक था, वो तरल विष यानी गीला विष, गीला जहर वो मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। मैं तो उसको मारता ही किंतु मुझे डस लेता तो मैं भी नहीं बच पाता। अब तक सांप ने वार ना किया था इसलिए मैंने भी लेखक ने अभी तक उस पर वार नहीं किया था, उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। अब मैं उस पर वार भी ना करूं और उस पर डंडा भी ना चलाऊं, शायद फन भी ना दबा पाऊं, तो प्रश्न ये था कि मैं चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मरना था, मरना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, या तो उसको मारना था या फिर बिल्कुल छेड़खानी न करना था। दो ही मार्ग थे, या तो चुपचाप चिट्ठियां सरका ली जाएं, या फिर उसको मार दिया जाए या छेड़खानी ना की जाए। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी कि जो मारना था वो मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी बाध्य होकर दूसरे मार्ग को मुझे अपनाना पड़ा, दूसरे मार्ग का मुझे सहारा लेना पड़ा कि इससे बिना छेड़खानी करे चुपचाप अपनी जो चिट्ठियां हैं वो सरका ली जाए। और आगे का इसका जो भाग है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।